हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 8.2 फ्रॉम चैप्टर डेसिमल्स। क्वेश्चन वन में जो ये फ्रैक्शन दिया गया है आपको, इसे हमें डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए कहा जा रहा है। सो फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट को करते हैं। फर्स्ट हमारा 531/10, तो डेसिमल बनाएंगे। कैसे बनाते हैं वो समझते हैं। तो देखिए, इज इक्वल टू दे करके पहले ये जो ऊपर में नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर को आप पूरा लिख लीजिए, जैसे 531। अब नीचे में देखिए 10 है, सो इसमें हम पॉइंट लगाएंगे। 10 कहने का मतलब डेसिमल जब हम लगाएंगे उसके आगे सिर्फ 1 डिजिट होना चाहिए। दैट मीन्स राइट हैंड साइड से हम काउंटिंग करते हैं, तो राइट हैंड साइड से काउंट करेंगे तो कितना डिजिट काउंट करना है, 10। दैट मीन्स 1 काउंट करना है। सो ये 1, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। देखिए डेसिमल के बाद 1 डिजिट आ गया, सो 53.1 हमारा आंसर। सेकेंड, 422/100, तो सबसे पहले ये न्यूमिरेटर का जो पार्ट है उसे हम एज इट इज लिख लेंगे, 422। अब हम पॉइंट लगाएंगे। अब यहाँ देखिए 100 20 है, तो क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से 2 डिजिट हम काउंट करेंगे। सो 1 2 2 डिजिट आ गया, इसे छोड़ देंगे, अब यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट 58301/1000, तो सबसे पहले इस पार्ट को लिखेंगे यहाँ पर, तो ये हो गया 58301। अब इसमें हम डेसिमल लगाएंगे, तो डेसिमल में यहाँ देखिए 30 है, सो राइट हैंड साइड से 3 डिजिट काउंट करेंगे। 1 2 3 डिजिट आ गया, 3 डिजिट छोड़ के यहाँ पर पॉइंट, सो 58.301, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है 7/10, तो पहले ये ऊपर के पार्ट को हम लिखते हैं 7। अब यहाँ पर देखिए 10 में 1 ही डिजिट है, सो राइट हैंड साइड से 1 ही डिजिट काउंट करेंगे। एंड यहाँ तो सिंगल डिजिट ही है, सो हमारा राइट हैंड साइड से काउंट करके लिखते हैं, तो डेसिमल आप इस साइड नहीं लगाओगे, किधर से लगाएंगे, इधर, बिकॉज राइट हैंड साइड से काउंट करते हैं। तो देखिए 1, तो यहाँ पॉइंट आ गया 0.7। अब ये देखिए देखने में अधूरा सा लग रहा है, तो इसे कंप्लीट करने के लिए अपने इसे हम 0 बना देते हैं, जिससे ये सुंदर लगे, सो 0.7। नेक्स्ट है 3/100, यहाँ 20 है बट इसमें सिंगल डिजिट है, तो पहले इसे लिख लेते 3। 2 डिजिट है हमें, तो यहाँ पे 2 डिजिट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से काउंट करेंगे 2 डिजिट। सो 1, दूसरा डिजिट नहीं है तो उसके लिए हम 0 बना देंगे। अब देखिए 2 डिजिट बन गया, 1 2 डिजिट, 20 है, सो 2 डिजिट। अब यहाँ पॉइंट बना देंगे एंड इसे अच्छा लगने के लिए एक और 0 दे देंगे। नेक्स्ट है 37/1000, तो पहले 37 लिखेंगे। नाउ यहाँ 30 है बट यहाँ 2 ही डिजिट, हमें 3 चाहिए, सो 1 2 एंड थर्ड के लिए एक 0 बना दीजिए, देन पॉइंट। ठीक है, तो 0.037 ये आंसर हो गया। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, बट हम इसे सुंदर बनाने के लिए क्या करते हैं, 1 0 और इसमें एक्स्ट्रा लगा दिया जाता है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 2। अब इस सेकेंड नंबर क्वेश्चन में डेसिमल नंबर लिखा हुआ है, इसे हमें डेसिमल फ्रैक्शन बनाने, डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब अपॉन में 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे होना चाहिए। क्लियर। सो सब पार्ट 1 हमारा है 54.01, तो इसे फ्रैक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस होल पार्ट को यहाँ पर लिखेंगे, तो इक्वल टू का साइन देंगे एंड लिखेंगे हम 5401। इसमें हम पॉइंट नहीं देंगे, पॉइंट ये हमारा है क्वेश्चन में, हमें फ्रैक्शन बनाना है, डेसिमल फ्रैक्शन। सो 5401 लिख लेंगे, पॉइंट नहीं देना है। नाउ अपॉन कर लेंगे। अब अपॉन में हम पहले तो 1 लिख लेंगे, देन देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 2 डिजिट है, दैट मीन्स 20 बना देना, तो यही आंसर हो गया। नेक्स्ट है 318.105, अगेन क्या करेंगे, सबसे पहले इस होल नंबर्स को लिख लेंगे, सो 318105, पॉइंट नहीं बनाने हैं हमें, अपॉन देना है एंड अपॉन के बाद 1 लिख करके अब इस पर देखना कि 0 कितना बनेगा, तो डेसिमल यहाँ इसके डेसिमल के बाद आगे काउंट करेंगे कि कितने नंबर्स हैं। तो देखिए यहाँ 1 2 3 3 डिजिट है, दैट मीन्स 30 बना दीजिए, बस आंसर हो गया। नेक्स्ट 0.37, तो सबसे पहले इस 37 को लिखेंगे, ठीक है, बिकॉज स्टार्टिंग के 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, सो ओनली 37 एंड अपॉन देंगे, अपॉन के बाद देखिए पॉइंट के बाद 1 2 डिजिट है, यानी कि 1 पे हमें 20 बनाने हैं, सो 37/100 आंसर हो गया। नाउ सब पार्ट 4, 0.047 इज इक्वल टू, तो अगेन देखिए स्टार्टिंग में 0 है कि कोई वैल्यू नहीं होती है, तो ओनली हम क्या नंबर लिखेंगे, 47, सो 47 अपॉन बनाएंगे, डेसिमल के बाद अब यहाँ 1 2 3 डिजिट है, सो 1 पे 30 बना देने हैं। नेक्स्ट है 0.03, यहाँ भी स्टार्टिंग में 0 है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, सो ओनली हम 3 लिख लेंगे अपॉन, अब पॉइंट के बाद देखिए 1 2 डिजिट है, सो 20 आ जाएगा, यानी कि 3/100। नेक्स्ट 34.5,
तो डेसिमल छोड़कर इस पूरे नंबर को लिखेंगे पहले, तो 345 अपॉन पॉइंट के बाद वन डिजिट है, दैट मीन्स वन पे वन जीरो यानी कि 10। तो ये आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 3 इज, अब यहाँ गिवन डेसिमल नंबर का हमें लोएस्ट टर्म निकालने हैं। सो फर्स्ट 0.8, तो सबसे पहले इस डेसिमल को हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन बनाएंगे। तो फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग के जीरो की वैल्यू नहीं, ओनली नंबर 8 बचा, सो हम लिख लेंगे 8 अपॉन, अब देखिए पॉइंट के बाद वन डिजिट, दैट मीन्स वन पे वन जीरो, 8 अपॉन 10 बन गया। अब इसे हम डिवाइड करेंगे, तो 2 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज 2 में 8 एंड 10 दोनों आता है 2 की टेबल में, सो 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, 4 अपॉन 5। अब ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, सो हमारा आंसर हो जाएगा 4 अपॉन 5 इज द आंसर, ये लोएस्ट टर्म में हो गया। सेकेंड है 0.04, अगेन स्टार्टिंग में 0 0 है, सो नंबर ओनली 4 बनेगा, तो हम यहाँ लिख लेंगे 4 अपॉन, अब डेसिमल के बाद 1 2 डिजिट है, यानी कि 1 पे 2 जीरो लेंगे। अब इसे हम डिवाइड कर लेंगे, तो 4 की टेबल से 100 डिवाइड हो जाता है, सो 4 1 जार एंड 4 से जब हम 100 डिवाइड करते हैं तो ये आता है 25, 25 4 जार 100, ठीक है, तो 1 अपॉन 25, सो आंसर में हम लिख लेंगे 1 अपॉन 25। आप चाहो तो यहाँ 2 की टेबल से भी डिवाइड कर सकते हो, 2 2 जार 4, 2 से 100 डिवाइड करेंगे तो 50, अगेन 2 1 जार एंड 2 से जब 50 डिवाइड करेंगे तो 25, तो आंसर हमारा 1 अपॉन 25 ही आएगा, क्लियर। नेक्स्ट है 0.125, तो इसमें से ओनली नंबर्स को लिखेंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं 125 अपॉन पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, सो यहाँ पर 3 0 आ जाएगा। अब 5 की टेबल से डिवीजन का रूल क्या है, अगर लास्ट में किसी नंबर के लास्ट में 5 या 0 आए तो 5 की टेबल से डिवाइड होता है, सो यहाँ देखिए लास्ट में 5 है, लास्ट में 0 आ रहा है, सो 5 की टेबल से डिवाइड करेंगे, तो 5 से 125 को पहले डिवाइड करते हैं, तो 5 से पहले 12 डिवाइड करेंगे, 5 2 जार 10 माइनस करेंगे तो 2 बच जाएगा, 2 पे ये 5 25, सो 5 5 जार 25। नाउ इसे 5 2 जार 10 एंड ये 00, अब अगेन 5 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 5 5 जार एंड 5 से 200 डिवाइड करेंगे तो 5 4 जार 20 एंड ये 0। नाउ 5 1 जार 5, 5 8 जार, तो 1 अपॉन 8, अब किसी से डिवाइड नहीं होगा, सो आंसर हमारा हो जाएगा 1 अपॉन 8, ये लोएस्ट टर्म में हो गया, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा 0.225, तो पहले फ्रैक्शन बनाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 225 अपॉन पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, सो 30। अब 5 की टेबल से डिवाइड कर लेंगे, आप चाहो तो डायरेक्ट 25 की टेबल से भी दोनों डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। नाउ 5 से मैं कर रही हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी हो, 5 से पहले 22 डिवाइड करेंगे तो 5 4 जार 20, 20 माइनस किया तो 2 बच गया, 2 पे ये 5 आकर 25, सो 5 5 जार 25। नाउ ये 5 2 जार 10 एंड ये 00, अगेन 5 से डिवाइड होगा, 5 9 जार 45, 5 से जब 20 डिवाइड करेंगे तो 40, अब बन गया 9 अपॉन 40, अब ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, सो यही हमारा आंसर हो गया, 9 अपॉन 40 इज द आंसर। नेक्स्ट है 0.066, तो अगेन इसमें नंबर्स क्या बचेगा, ओनली 66 अपॉन पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, दैट मीन्स 30, क्लियर। अभी तो क्लियर है कि 2 की टेबल से डिवाइड होगा, 2 3 जार 6, 2 3 जार एंड 2 सी से करेंगे, 2 5 जार 10 एंड ये 00 इज इक्वल टू, अब देखिए 33 500, किसी से डिवाइड नहीं होगा, सो यही हमारा आंसर होगा, 33 अपॉन 500 इज द आंसर। नेक्स्ट आपका 0.092, स्टार्टिंग की जीरो की वैल्यू नहीं है, सो ओनली नंबर्स बच गया, तो लिख लेंगे 92 अपॉन अपॉन के बाद 3 डिजिट है, सो यह हम 30 बना देंगे। नाउ 2 एंड 0 लास्ट में आ रहा है, 2 की टेबल से दोनों डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जार 8 एंड ये 2 6 जार 12, नाउ 2 5 जार एंड ये 00, अगेन 2 से 2 2 जार, 2 3 जार और ये आपका हो जाएगा 250, सो 23 अपॉन 250, किसी से डिवाइड नहीं होगा, सो यही हमारा आंसर हो गया, 23 अपॉन 250। नाउ क्वेश्चन 4 इज, अब क्वेश्चन 4 में डेसिमल नंबर्स को हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन बनाएंगे इसका, तो 31.6 है, जब फ्रैक्शन कंप्लीट बनाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 360 अपॉन अब पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, सो 10। नाउ डिवाइड करेंगे इसे हम, ठीक है, तो लास्ट में देखिए 6 है, नीचे लास्ट में 0 है, तो 2 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा, सो 2 से 316 को डिवाइड करेंगे तो 2 1 जार, देन 2 5 जार एंड 2 8 जार 16, 158, ये हो गया 2 5 जार 10,
नाउ देखिए 158/5 किसी से डिवाइड नहीं होगा, सो हम लिख लेंगे इज इक्वल टू 158/5। मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर लिखना है तो हम क्या करेंगे, 5 से 158 को पहले डिवाइड करेंगे, सो यहाँ कर लेते हैं। देखिए 5 से जब 158 को डिवाइड करेंगे तो 5 3 जार 15, अब ये 8 आ गया। नाउ 5 1 जार 5, 8 माइनस 5 इज 3, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 31 एज अ होल, एंड ये जो रिमाइंडर 3 बचता है इसे हम ऊपर में लिखते हैं अपॉन ये 5। क्लियर, यानी कि ये जो नीचे में 5 लिखा है ये हमेशा डिनोमिनेटर में ही आएगा, एंड ये 31 3 लिख देंगे तो आंसर कंप्लीट हो जाएगा। सो यहाँ हम आंसर लिख लेंगे 31/3/5 इज द आंसर। नाउ सब पार्ट टू इज 3.25, तो सबसे पहले विदाउट डेसिमल नंबर्स को लिख लेंगे, तो ये है 325 अपॉन देंगे, डेसिमल हटाने के लिए हम क्या करते हैं अपॉन दे करके डेसिमल के बाद नंबर काउंट कीजिए, तो 1 2 2 डिजिट है, सो 20 नीचे आ गया। क्लियर, अब लास्ट में देखिए 5 है, लास्ट में 0, यानी कि 5 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा, सो पहले 5 से डिवाइड करते हैं 325 को, तो 5 6 टाइम में लगेगा, 5 6 जार 30, माइनस किया तो 2 बच गया, 2 पे 5 5 यानी कि 25, 5 5 जार 25। इसी तरह से 5 2 जार 10, ये 0 अगेन 5 एंड 0 आ रहा है, तो 5 की टेबल से डिवाइड होगा, सो ये हमारा हो जाएगा 5 1 जार एंड 5 3 जार नाउ 5 4 जार, अब ये हो गया 13/4, ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, सो फ्रैक्शन में हम लिख लेंगे 13/4। नाउ 4 से 13 को डिवाइड करेंगे तो ये आंसर हमारा मिक्स्ड में आंसर हो जाएगा, जब 4 से 13 डिवाइड करेंगे तो 4 3 जार 12, तो 12 माइनस करें 13 में से तो 1 रिमाइंडर बचेगा, सो 1 ऊपर लिख लेंगे, एंड अपॉन में ऑलवेज ये डिनोमिनेटर में जो नंबर है वही आता है, सो 3 होल 1/4। नाउ सपार्ट 3 7.025, तो सबसे पहले विदाउट डेसिमल इस पूरे नंबर्स को लिखेंगे, सो हो गया 7025 अपॉन डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, सो 1 पे 30 बना लिया, अब लास्ट में अगेन 5 है एंड 0, क्लियर है, 5 की टेबल से हम डिवाइड करेंगे, सो 5 से 7025 को डिवाइड करेंगे, 5 से पहले 7 को डिवाइड करेंगे तो 5 1 जार 5, 5 4 जार 20, अब यहाँ 5 से 2 तो डिवाइड नहीं होगा तो हमें 25 को डिवाइड करना होगा, तो सबसे पहले 2 डिजिट जब हम नीचे में उतारते हैं तो पहले एक 0 दे लेते हैं, देन 5 5 जार 25, तो ये हो गया हमारा 14 0 5। नाउ ये 5 2 जार 10, 0 0 अगेन 5 एंड 0 लास्ट में आ रहा है, तो क्लियर है 5 की टेबल से डिवाइड होगा, सो 5 से कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 3 जार 15 ज़्यादा, तो 5 2 जार 10, देन ये हो जाएगा 5 2 जार 10 4 5 8 जार एंड 5 1 जार, ये हो गया 5 4 जार एंड 0, तो देखिए 281/40, सो हम यहाँ लिख लेंगे 281/40, अब इस 40 से 281 को डिवाइड करेंगे, तो जब आप 40 से 281 को डिवाइड करोगे तो रिजल्ट आपका आएगा 7 होल 1/40 इज द आंसर। अब एक बार हम ये 7025 को जो मैंने 5 से ओरली डिवाइड किया कैसे किया वो समझ लीजिए, जैसे 7025 इसको 5 से डिवाइड करना है, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 0 कैसे लाया ये आपको सिखला रही हूँ। देखिए 5 से पहले 7 डिवाइड करेंगे, 5 1 जार 5, माइनस किया तो 2, अब ये 0, नाउ 5 4 जार 20, ठीक है, अब ये 2 नीचे आया, अब 5 से 2 तो डिवाइड नहीं होगा तो हम क्या करते हैं इस 5 को भी नीचे उतारेंगे, तो देखिए एक साथ जब दो नंबर को हम नीचे उतारते हैं तो इसी के बदले में 1 0 पहले यहाँ देना पड़ता है, देन 5 से 25 डिवाइड कर देंगे, 5 5 जार 25, तो ये आ गया हमारा 14 0 5, तो समझ गया आप 14 0 5 हमने कैसे लिया। इस तरह के डिवीजन में बहुत से बच्चे हमेशा मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैंने इसको आपको अलग से करके बताया है। क्लियर, नाउ सब पार्ट 4 इज 95.95, तो सबसे पहले फ्रैक्शन बनाएंगे विदाउट डेसिमल नंबर लिख लेंगे 95 95 अपॉन डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो यहाँ पर 20, क्लियर है 5 एंड 0, 5 की टेबल से डिवाइड करेंगे, सो डिवाइड कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा 5 1 जार, देन 4 5 45, यानी कि 5 9 जार, अगेन 5 1 जार 5 9 जार, तो 19 19 अपॉन 5 2 जार 10 एंड ये 0। अब देखिए 19 19 अपॉन 20, ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, सो हम लिख लेंगे यहाँ 1 9 1 9 अपॉन 20, अब 20 से आप इसे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, चलिए करके देखते हैं, 20 1 9 1 9 इसे डिवाइड कर लेते हैं,
तो देखिए 20 से ये 9 टाइम्स में डिवाइड होगा, 2 9 जार 18 होता है, सो यहाँ 18 एंड ये एक जीरो, माइनस करेंगे 1 1 ये कैंसिल, अब ये 9 आ गया। अब ये 25 जार डिवाइड होगा 190, तो 95 एंड रिमाइंडर 19 बच रहा है, सो 95 एज अ होल लिख लेंगे, रिमाइंडर हमारा 19 आ गया एंड अपॉन में ये 20 तो है ये 20, सो ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 5 इज, अब इस क्वेश्चन में गिवन फ्रैक्शन को हमें डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। सो फर्स्ट फ्रैक्शन हमारा है 4/5, तो इसे डेसिमल कन्वर्ट फ्रैक्शन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले डेसिमल फ्रैक्शन किसे बोलते हैं, जिसका डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000, 10,000 एंड सो ऑन हो, यानी कि 1 पे 0 होने चाहिए, कहाँ पे, तो डिनोमिनेटर में, क्लियर। तो डेसिमल फ्रैक्शन बनाने के लिए तो हमें डिनोमिनेटर में 0 चाहिए 1 पे, बट यहाँ 5 है, तो यहाँ पे हम इसे ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे कि 10, 100, 1000 समथिंग कुछ बन जाए, तो 5 है, क्लियर है कि 5 2 10 होता है, 5 में 2 से इंटू करेंगे, सो हम यहाँ लिख लेंगे 4/5 इंटू 2। अब ये जो नीचे में आप मल्टीप्लाई जो नंबर लिखोगे सेम नंबर ऊपर लिखना है, सो ये मल्टीप्लाई 2 ऊपर भी आ जाएगा। नाउ ये हमारा बन गया 4 × 2 8/5 × 2 = 10। अब नीचे में 0 आ गया, 1 पे 0, तो क्लियर इसे डेसिमल में आप कन्वर्ट कर लेंगे, तो 10 है, दैट मीन्स पॉइंट के बाद 1 डिजिट होना चाहिए, और यहाँ 1 डिजिट 1 नंबर ऑलरेडी है, सो 0.8। अब ये चूंकि सुंदर लगने के लिए हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में एक 0 बना देते हैं, सो 0.8 इज द आंसर। नाउ सेकेंड, 6/25, तो 25 में आपको सोचना है कि आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि लास्ट में 10, 100, 1000 में से कुछ आ जाए, क्लियर। तो इसे हम चेक करेंगे, 25 को 2 से आप इंटू करके देखो, 25 2 50 होता है, तो नहीं आया। नाउ 3 से करके देखेंगे तो 75, ये भी नहीं होगा। नाउ 25 × 4 करते हैं तो 100 आ जाता है, सो हम यहाँ क्या करेंगे, 4 लिख लेंगे, तो 4 जब नीचे लिखेंगे तो सेम 4 यहाँ नंबर ऊपर आ जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई कीजिए, 6 × 4 = 28/ ये हमारा 100 हो गया। अब इसे डेसिमल में लिख लेंगे, तो देखिए 0.100 नीचे अपॉन में 20 है, दैट मीन्स पॉइंट के बाद 2 डिजिट चाहिए, तो ये पॉइंट ले लिया हमने, नाउ 2 डिजिट तो गिवन है, सो यही हम लिख देंगे यहाँ 28, और स्टार्टिंग में एक 0 बना देंगे, सो 0.28 इज द आंसर। नेक्स्ट हमारा 112/125, क्लियर। तो किस चीज़ से इंटू करेंगे 125 में, लास्ट में नीचे में हमारा 1000 आए, तो इसके लिए हम मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। तो यहाँ 125 को जब आप 8 से इंटू करोगे तो वो 1000 में आ जाता है, सो 8 नीचे भी लिख लेंगे, 8 हमारा ऊपर भी आ जाएगा। नाउ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 2 16 कैरी 1, 8 1 8 एंड 1 9, 8 1 8, तो ये हो गया हमारा 896/125 × 8 = 1000 होता है। नाउ डेसिमल में आंसर लिख लेंगे, देखिए 30 है, ऊपर में भी 3 डिजिट है, यानी कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट चाहिए, तो पॉइंट इसके बाद 3 डिजिट जो ऑलरेडी गिवन है इसे लिख लेंगे 896, और स्टार्टिंग में एक 0 बना देंगे, सो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है 3/4, तो क्लियर है 4 है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो देखिए 25 में जब हमने 4 से इंटू किया तो 100 आया, तो यही हम कर सकते लिख सकते 4 × 25 = 100, सेम बात है, सो हम लिख लेंगे 4 × 25, ऊपर में भी 25 आ जाएगा। इस तरह से ना आपको कुछ नंबर्स याद रखना है इसके लिए, जैसे 5 2 10 होता है ये तो ईजी है, कुछ नहीं याद करना है, जैसे 25 4 100 होता है ये आप ध्यान में रखो, 125 में जब हम 8 से इंटू करते हैं तो ये याद रखो माइंड में, जब आप ये सेट रखोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से स्पीडली कर लोगे आप। नाउ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 25 × 3 = 75/ ये आपका 100 हो गया। अगेन देखिए 2 डिजिट गिवन है, सो 0.75 स्टार्टिंग में 0 लगा देंगे, आंसर क्लियर। नेक्स्ट है आपका 3/8, अब यहाँ थर्ड क्वेश्चन में देखिए 125 में जब हमने 8 से इंटू किया था तो 1000 आया, अब यही यहाँ पहले 8 लिखा है, तो 8 में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 पे 0 आए, तो 8 में 125 से इंटू करेंगे, यही आपको 2-3 नंबर 125 × 8 × 25 × 4 इस तरह से कुछ नंबर्स याद रखने हैं। अब यही 125 ऊपर भी लिख लेंगे इज इक्वल टू 125 × 3 = 3 × 5 = 15 कैरी 1, 3 2 6 1 7 3 1 3, तो ये हो गया हमारा 375/1000। नाउ देखिए 30 ऊपर में भी 3 डिजिट है, दैट मीन्स पहले ये 375 लिख लेंगे,
नाउ राइट हैंड साइड से काउंट करते हैं, कितने काउंट करने हैं, थ्री डिजिट, बिकॉज थ्री जीरो है, वन टू थ्री, यहाँ पर पॉइंट, अब स्टार्टिंग में एक जीरो, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका है सेवन होल थ्री अपॉन फोर्टी, अब इसे हमें डेसिमल बनाने हैं, तो इसके लिए सबसे ईजी है ये जो आप होल नंबर में सेवन देख रहे हो, इस सेवन को पहले लिख कर लो एंड प्लस का साइन आप दे दो। नाउ हमारा बच रहा है थ्री अपॉन फोर्टी, तो पहले थ्री अपॉन फोर्टी इंटू इंटू, अब ये तो हमारा सेवन प्लस में हमने कर लिया, नाउ हमें सोचना है कि इस पार्ट में क्या मल्टीप्लाई करें कि हंड्रेड थाउजेंड ऐसे आ जाए, तो इक्वल टू क्या, अब यहाँ फोर्टी में जीरो को आप इग्नोर कीजिए तो ओनली फोर बचा, फोर में हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हंड्रेड आता है ट्वेंटी फाइव से, दैट मीन्स फोर्टी में जब आप ट्वेंटी फाइव से इंटू करोगे तो ट्वेंटी फाइव फोर जार हंड्रेड एंड एक जीरो आ जाएगा तो थाउजेंड बन जाएगा, क्लियर। नाउ ये ट्वेंटी फाइव ऊपर, ट्वेंटी फाइव इंटू थ्री इज सेवेंटी फाइव अपॉन, ये हमारा बन जाएगा ट्वेंटी फाइव इंटू फोर हंड्रेड एंड ये फोर का एक जीरो आ गया वन थाउजेंड एंड ये सेवन प्लस में, सो यहाँ हम लिख लेंगे सेवन प्लस, अब हम क्या करेंगे, ये तो सेवन प्लस एज इट इज रहेगा, तो यहाँ हम लिख लेंगे सेवन प्लस के जगह पे हमें पॉइंट बनाने हैं। नाउ यहाँ पर थ्री जीरो है और ऊपर में तो टू ही डिजिट है तो हमें थ्री डिजिट चाहिए, तो सबसे पहले ये सेवेंटी फाइव लिख लेते हैं और पॉइंट के बाद हमें थ्री डिजिट चाहिए, है ना, थ्री जीरो है तो पॉइंट के बाद तो टू डिजिट बना, थ्री बना नहीं, तो किसके लिए हम क्या करते हैं एक जीरो स्टार्टिंग में लगा देंगे यहाँ सेवेंटी फाइव से पहले। अब देखिए डेसिमल के बाद थ्री डिजिट आ गया, सो सेवन पॉइंट जीरो सेवन फाइव, ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन सिक्स इज, अब क्वेश्चन सिक्स में हमें लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है, क्लियर। लाइक डेसिमल क्या होता है ये समझ लीजिए, लाइक डेसिमल में डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स हो वो सेम होने चाहिए, जैसे यहाँ देखिए डेसिमल के बाद थ्री डिजिट है बट यहाँ डेसिमल के बाद वन ही डिजिट है, तो इस वन डिजिट को हमें थ्री डिजिट में कन्वर्ट करना होगा, और कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं जितने डिजिट कम हो उतने जीरो बना देते हैं, तो वो हमारा लाइक डेसिमल बन जाता है। सो फर्स्ट हम नंबर्स लिख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा वन सेवन पॉइंट फाइव, अब यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद थ्री डिजिट है यहाँ वन डिजिट है, तो थ्री डिजिट बनाने के लिए हमें टू जीरो बनाना पड़ेगा, तो ये हमारा लाइक डेसिमल में आ जाएगा। नाउ इस पार्ट को लिख देंगे थ्री पॉइंट नाइन वन टू, तो ये हमारा आंसर हो गया, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट है फाइव पॉइंट जीरो फोर कॉमा थर्टीन पॉइंट वन नाइन जीरो टू, तो पॉइंट के बाद देखिए यहाँ पर फोर डिजिट है बट यहाँ टू ही डिजिट है, दैट मीन्स टू जीरो बना देंगे तो फोर डिजिट बन जाएगा डेसिमल के बाद, सो हम लिख लेंगे फाइव पॉइंट जीरो फोर, पहले ये लिख लेंगे देन जितने कम हो उतने जीरो बना देंगे, तो टू कम है दैट मीन्स टू जीरो आ जाएगा कॉमा, देन इस पार्ट को देख कर लिख लेंगे एज इट इज थर्टीन पॉइंट वन नाइन जीरो टू, अब पहले ये अनलाइक डेसिमल था अब देखिए ये लाइक बन गया, पॉइंट के बाद यहाँ भी फोर डिजिट है यहाँ भी फोर डिजिट, बस यही करना है। नेक्स्ट आपका टू पॉइंट फोर फाइव वन थ्री पॉइंट सेवन ट्वेंटी एट पॉइंट थ्री फोर, तो देखिए पॉइंट के बाद टू डिजिट वन डिजिट यहाँ पर थ्री डिजिट, दैट मीन्स सबको हमें थ्री बनाना है डेसिमल के बाद, सो फर्स्ट ये तो थ्री डिजिट में है ही, इसे हम एज इट इज लिख लेंगे टू पॉइंट फोर फाइव वन, देन कॉमा दीजिए, अब थ्री पॉइंट सेवन हमें थ्री डिजिट बनाने हैं, यहाँ सिंगल डिजिट है तो हमें क्या करना होगा थ्री बनाने के लिए टू जीरो, पॉइंट का देखिए वन टू थ्री, थ्री डिजिट बन गया, इसी तरीके से इसे थ्री डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो ट्वेंटी एट पॉइंट थ्री फोर एंड एक जीरो बना देंगे, क्लियर। तो इस तरह से हमें ये लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट आपका थ्री पॉइंट वन कॉमा टू पॉइंट सिक्स सेवन एट कॉमा ट्वेंटी सेवन पॉइंट जीरो वन जीरो थ्री, तो यहाँ देखिए थ्री डिजिट ये इसमें फोर डिजिट, दैट मीन्स सबको फोर बनाना है, सो ये हो जाएगा थ्री पॉइंट वन, यहाँ पर वन ही है हमें फोर चाहिए तो क्या करेंगे थ्री जीरो बना देंगे। नेक्स्ट आपका टू पॉइंट सिक्स सेवन एट थ्री डिजिट है तो वन जीरो चाहिए एंड इसे एज इट इज देख कर लिख लेंगे ट्वेंटी सेवन पॉइंट जीरो वन जीरो थ्री, ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन सेवन इज, अब इस क्वेश्चन में हमें ग्रेटर नंबर बताने हैं, दोनों में दो जो नंबर्स गिवन है इसमें हमें बताने हैं कि ग्रेटर नंबर कौन सा है, क्लियर। तो इसे चेक करने का तरीका सीखते हैं, तो सबसे पहले स्टार्टिंग के डिजिट्स को चेक कीजिए, तो स्टार्टिंग देखिए जीरो है इधर भी जीरो है दोनों सेम हो गया कुछ नहीं करेंगे। नाउ डेसिमल के बाद का चेक करेंगे, यहाँ पर थ्री है इधर फोर है तो थ्री एंड फोर में फोर बड़ा है सो जीरो पॉइंट फोर ग्रेटर हो जाएगा, तो इसे आप दो तरीके से लिख सकते हो, या तो आप ऐसे लिख लो जीरो पॉइंट थ्री स्मॉलर देन 0.4, इस तरह से साइन देकर लिख सकते हो, या फिर और आप लिख सकते हो 0.4 इज ग्रेटर, ठीक है। तो इस तरह से दोनों में से ये तरीका लिख लो या इस तरीके से लिख लो कोई बात नहीं है। नेक्स्ट वन, एक नंबर वन है और सेकेंड में हमारा 0.99 है, तो पहले स्टार्टिंग के नंबर में देखते हैं,
तो देखिए वन, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, मतलब वन के बाद पॉइंट आता है, तो ये वन है, यहाँ पर जीरो है, तो बड़ा कौन होगा, वन बड़ा है, सो वन इज ग्रेटर देन 0.99। देखिए वन के बाद यहाँ पर 0.99, बस वन के बाद कोई पॉइंट नहीं है, हमें नहीं दिख रहा कोई पॉइंट, कोई भी नंबर होता है जैसे 78 या कोई भी नंबर ले लीजिए, अगर इसमें आपसे पूछा जाए पॉइंट कहाँ है, तो पॉइंट ऑलवेज सिंपल नंबर्स में यहाँ होते हैं लास्ट में, जो कि हमें दिखता नहीं है। जैसे टू है, टू का पॉइंट कहाँ है, अगर डेसिमल नहीं दिया, अगर आपसे कोई पूछे इसमें पॉइंट कहाँ है, तो पॉइंट कहाँ है, यहाँ है ऑलवेज, क्लियर। सो वन में पॉइंट कहाँ है, तो पॉइंट इधर हो गया, तो पॉइंट से पहले हम पहले स्टार्टिंग का चेक करेंगे, तो स्टार्टिंग में वन, यहाँ स्टार्टिंग में जीरो है, वन बड़ा है, सो हमने कर दिया वन ग्रेटर देन 0.9, या आप लिख सकते हो वन इज ग्रेटर। नेक्स्ट हमारा 1.09 एंड 1.093। अब यहाँ चेक करते हैं, तो स्टार्टिंग में देखिए वन वन दोनों सेम हो गया, अब आगे चेक करेंगे, डेसिमल के बाद फर्स्ट में जीरो है, यहाँ डेसिमल के बाद फर्स्ट जीरो, ये भी क्लियर सेम है दोनों। नाउ पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद सेकेंड डिजिट 9, यहाँ पॉइंट के बाद सेकेंड 9, ये भी इक्वल है। नाउ थर्ड में पॉइंट के बाद थर्ड में यहाँ 3 है, यहाँ थर्ड में कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब जीरो है, दैट मीन्स बड़ा क्या हो गया, 3 वाला, यानी कि 1.093 ग्रेटर है, सो यहाँ हम लिख लेंगे 1.09 स्मॉलर देन 1.093, इस तरह से भी लिख सकते हैं, या आप क्या लिखेंगे, और 1.093 इज ग्रेटर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आपके स्कूल में जैसे कहा जाए उस तरीके से लिख लेना। नेक्स्ट हमारा 0.5 एंड 0.05, अब इन दोनों में कौन छोटा बड़ा है, तो एक तो तरीका आपने सीख लिया, अगर उसमें कन्फ्यूजन हो तो दूसरा तरीका इसका यह है, ये है कि दोनों को आप लाइक बना लीजिए, तो लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे, तो देखिए पॉइंट के बाद टू डिजिट, यहाँ पॉइंट के बाद वन है, तो इसे टू डिजिट बनाना होगा, सो 0.50, 0.05, अब ये हमारा लाइक फ्रैक्शन बन गया, ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ, पहले हमने क्या बनाया, लाइक डेसिमल, तो लाइक डेसिमल 0.50, 0.05, अब कौन बड़ा है, अब देखिए पॉइंट के बाद इधर 50 है, यहाँ पॉइंट के बाद 5 है, तो बड़ा कौन हमारा 5 है, 50 है, सो हम लिख लेंगे 0.50 किसका है, 0.5 के लिए, सो 0.5 ग्रेटर देन 0.05, इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हो, क्लियर। और ऊपर हमने कैसे क्वेश्चन में सीखा, ये जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट डिजिट्स मिला के, वन बाई वन डिजिट मैच करके, जैसे 0 0 इक्वल हो गया, नाउ डेसिमल के बाद चेक कीजिए, यहाँ 5 है, यहाँ डेसिमल के बाद 0 है, तो 5 पहले है 0 है, तो पहले तो ये 5 बड़ा नंबर है, सो 0.5 ग्रेटर, ऐसे हम कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन में हमें स्मॉलर नंबर ढूंढने हैं, तो जैसे क्वेश्चन 7 हमने सॉल्व किया था वैसे ही करेंगे, बट यहाँ थोड़ा सा आप ट्रिकी है वो समझ लीजिए, पॉइंट से पहले स्टार्टिंग में जो नंबर्स होंगे उसमें आपको अच्छी तरह से क्लेरिफाई करना है कि कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है, वहाँ पे हम फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर देख के नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ देखिए टू टर्म्स है, टू डिजिट है एंड यहाँ 3 डिजिट है, अगर इधर भी 3 डिजिट होते देन 1 बाई 1 नंबर मैच करते हैं, ठीक है, अगर डिजिट्स जो है वो कम हो ज़्यादा हो तो ऑल नंबर्स को चेक करेंगे कि कितने टर्म्स है, आप ऐसे कर सकते, जैसे इसमें देखिए 45 टू डिजिट है, यहाँ पर 3 डिजिट है, ठीक है, तो जिसमें 3 डिजिट है वो बड़ा होगा, ऐसे भी काउंटिंग में आप देखते हो कि 45 एंड इधर 345, तो 345 बड़ा है, क्लियर। सो हमें छोटा नंबर बताना है, सो 45.78 ये स्मॉलर होगा, तो हम लिख लेंगे 45.78 स्मॉलर देन 345.8, ऐसे भी लिख सकते हो, या आप कैसे लिखोगे, 45.78 इज स्मॉलर, क्लियर। सेकेंड है 37.701, 37.71, अब डेसिमल से पहले देखिए 37, इधर भी 37 इक्वल हो गया, अब आगे चेक करेंगे, डेसिमल के बाद फर्स्ट नंबर 7, यहाँ पर 7, ये भी इक्वल हो गया, नेक्स्ट डेसिमल के बाद सेकेंड प्लेस पे 0 है, यहाँ सेकेंड प्लेस पे 1 है, तो कौन सा बड़ा हो गया, 37.71, और हमें छोटा बताना है, दैट मीन्स ये स्मॉलर नंबर हो गया, सो हम लिख लेंगे 37.701 इज ए स्मॉलर, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर हम कैसे लिख सकते हैं, 37.70 स्मॉलर देन का साइन दे देंगे एंड में ये लिख लेंगे, इस दोनों में से कोई भी मेथड आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आया 5.907 एंड 5.903, अगेन देखिए पॉइंट से पहले यहाँ 5 है, यहाँ भी 1 डिजिट 5 है, दोनों इक्वल है, अब आगे चेक करेंगे, पॉइंट के जस्ट बाद 9, यहाँ भी जस्ट बाद 9 इक्वल हो गया, नेक्स्ट 0, यहाँ भी 0, दोनों इक्वल है,
अगेन अब थर्ड डिजिट देखेंगे तो यहाँ पर 7, यहाँ 3, तो छोटा कौन होगा? 3 वाला। दैट मीन्स 5.903 इज स्मॉलर। नाउ क्वेश्चन 9 इज, अब इसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए कहा गया है, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए यानी कि छोटे से बड़ा, सबसे पहले छोटा नंबर कौन है ये ढूंढना पड़ेगा। तो आप वन बाय वन चेक करके भी कर सकते हो, या ज़्यादा नंबर है कन्फ्यूजन नहीं हो तो उसके लिए सबसे ईजी ट्रिक है कि आप इसे लाइक डेसीमल में कन्वर्ट कर लो। तो चलिए लाइक में कन्वर्ट करते हैं। तो पॉइंट के बाद देखिए 2 डिजिट, यहाँ 3 डिजिट, यहाँ भी 3 डिजिट, दैट मीन्स सबको हमें 3 बनाने होंगे। तो ये 2 है, 3 बनाने के लिए 10 देते हैं, सो हम लिख लेंगे 27.3510 कॉमा, अब इस पार्ट को लिखेंगे 27.305 कॉमा 2.7, यहाँ 1 डिजिट है, 3 बनाने के लिए 2 जीरो आ जाएगा। नेक्स्ट है 2.543। अब हमें सबसे छोटा इसमें ढूंढना है कि छोटा कौन है। तो सबसे छोटा यहाँ देखिए 27, यहाँ पर 2 एंड यहाँ पे 2, तो छोटा कौन होगा? 2 वाला, बिकॉज इन दोनों में 27 है, तो 2 एंड 2, अब ये दोनों सेम हैं तो इन दोनों में छोटा कौन है वो हमें ढूंढने हैं। तो पॉइंट के बाद देखिए 7, यहाँ पॉइंट के बाद 5, दैट मीन्स ये 5 वाला ये नंबर हमारा सबसे छोटा है। तो सबसे पहले हम इसी को लिख लेंगे 2.543 इज ए स्मॉलर देन, अब ये किससे छोटा है? तो 2.700 से, तो 2.700 इज ए स्मॉलर देन, अब ये किससे छोटा है? तो ये दोनों नंबर बच रहे हैं, इन दोनों में हम चेक करेंगे कौन छोटा है। तो देखिए 27 इक्वल है। अब पॉइंट के बाद देखेंगे यहाँ 3, यहाँ भी 3, ये भी इक्वल हो गया। नेक्स्ट 5, यहाँ 0, तो 0 वाला छोटा हो गया, सो इसे लिख लेंगे हम 27.305 इज स्मॉलर देन, नेक्स्ट लास्ट में जो बच गया हमारा 27.350, दैट मीन्स ये पार्ट जो है सबसे बड़ा है, ठीक है। और हमें असेंडिंग चाहिए छोटे से बड़ा, सो हमने छोटे से बड़ा कर लिया। अब जो ये लाइक फ्रैक्शन का हमने लिख लिया, अब इसका ओरिजिनल फ्रैक्शन आप लिख लीजिए चाहिए तो। तब देखिए 2.543, ये तो एज इट इज है, तो इसे हम एज इट इज लिख लेंगे, इज इक्वल टू 2.543 कॉमा, या फिर साइन भी आप दे सकते हो स्मॉलर देन का, या कॉमा भी दे सकते हो। अब इसके बाद 2.700, तो देखिए 2.700 2.7 का लाइक फ्रैक्शन है, सो यहाँ हम लिख लेंगे 2.7 कॉमा, अब है 27.305, तो 27.305 सेम है, सो 27.305 ये क्वेश्चन में ही है कॉमा। नेक्स्ट आपका 27.350 है, तो देखिए 27.350 स्टार्टिंग में हमने लिखा था, ये किसके लिए लिखा था? 27.35 का, सो 27.35 ये हमारा आंसर हो गया। तो पहले लाइक में कन्वर्ट कर लेंगे, देन लाइक फ्रैक्शन को अरेंज कर लीजिए, फिर उसका ओरिजिनल इसमें से हम डिजिट्स लिख लेंगे, तो आंसर निकल जाएगा। नाउ सब पार्ट टू इज 4.53 कॉमा 4.07 कॉमा 29.1 कॉमा 0.9 कॉमा 0.709 असेंडिंग, यानी कि पहले सबसे छोटा लिखना है। तो सबसे छोटा कौन है इसमें? तो हमने सीखा फर्स्ट सब पार्ट में लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, देन इसे सॉल्व करना। अब इस क्वेश्चन में डायरेक्ट आंसर लिखना सीख लेते हैं, दोनों ही मेथड आप सीख लीजिए, जो इजी लगे वैसे कर सकते हो। अगर डायरेक्ट कर सकते हो तो आप डायरेक्ट आंसर लिख देना, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे? सबसे छोटा ढूंढना है, तो पहले डेसिमल से पहले देखिए स्टार्टिंग में क्या नंबर है, यहाँ 4 है, 1 डिजिट ही है, सिंगल डिजिट, यहाँ देखिए 29 2 डिजिट है, यहाँ सिंगल डिजिट में, तो क्लियर है कि ये सबसे बड़ा नंबर, दैट मीन्स इसे हम सबसे लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। हमें सबसे छोटा ढूंढना है, सो देखिए यहाँ 4 एंड 4, डेसिमल से पहले 4 दोनों सेम है, यहाँ 0 0, तो छोटा में क्या आएगा? 0 वाला। अब 0 वाले में दो नंबर्स हैं, तो इन दोनों में छोटा कौन है ये ढूंढना है। तो देखिए 0 0 ये तो सेम हो गया, पॉइंट के बाद यहाँ 9 है, पॉइंट के बाद 7 है, छोटा क्या हो जाएगा? 0.709, सो सबसे छोटा ये पार्ट है, तो पहले इसे को लिख लेंगे 0.709 कॉमा, अब छोटा कौन है? तो अभी तो 0 वाला ही छोटा होगा, बिकॉज ये 4 4 एंड 29 है, सो 0.9। अब ये दोनों हमने लिख लिया, बच गया ये, इसमें भी ये हमने देख लिया कि सबसे लास्ट में आएगा, तो इन दोनों में सबसे छोटा कौन है ये देखना है। देखिए 4 4 दोनों इक्वल हो गए, नाउ पॉइंट के बाद 5, यहाँ पॉइंट के बाद 0, छोटा होगा 0 वाला, सो 4.07 लिख लेंगे, 4.07। नेक्स्ट छोटा हमारा 4.53 है, सो 4.53 एंड लास्ट में लिख लेंगे हम 29.1। तो छोटे से बड़ा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। नाउ क्वेश्चन 10 इज, अब क्वेश्चन 10 में डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, डिसेंडिंग यानी कि बड़े से छोटा। तो सबसे पहले हम सबसे बड़े नंबर को लेते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है चेक करते हैं। तो देखिए पॉइंट से पहले का चेक करें, यहाँ 3 है, 33
थ्री थर्टी, तो सबसे बड़ा क्या होगा, 33 पहला, सो ये पार्ट सबसे बड़ा नंबर है, तो हम लिख लेंगे 33.03। अब ये हमने सॉल्व कर लिया, अब कौन बड़ा है ये देखना है, तो 33 30, तो 30 वाला बड़ा होगा बचे हुए में, सो कॉमा 30.33 कॉमा। अब ये दोनों पार्ट हमने लिख लिया, बच गया हमारे पास ये वाला एंड ये वाला पार्ट, इन दोनों में कौन बड़ा है चेक करेंगे, तो देखिए 33 इक्वल हो गया, नेक्स्ट पॉइंट के बाद 3, यहाँ भी पॉइंट के बाद 3, अब यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, नेक्स्ट 3 है, यहाँ भी 3 नहीं है, कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स ये वाला पार्ट हमारा बड़ा होगा, सो हम लिख लेंगे यहाँ पर 3.303 एंड लास्ट में 3.3, ये हमारा आंसर हो गया। नाउ सब पार्ट 2, 72.5 2.75 27.505 0.275 2.507 5.07, तो सबसे बड़ा ढूंढ रहा है, तो सबसे पहले डेसिमल के पहले का चेक करेंगे, ये देखिए 72 2 27 0 2, सबसे बड़ा 72 वाला, सो इसे हम लिख लेंगे 72.5, ये सबसे बड़ा हो गया कॉमा, आप चाहो तो यहाँ ग्रेटर देन का भी साइन दे सकते हो। चलिए एक तो हमने कॉमा वाला कर लिया, इसमें हम साइन देकर बनाते हैं, दोनों मेथड सीखेंगे, तो यहाँ साइन भी लगा सकते हैं या कॉमा दे सकते हैं, ठीक है। तो ग्रेटर देन, अब ये 72.5 ग्रेटर है सबसे, ये किससे बड़ा है, तो इसके बाद का नंबर क्या आएगा इन सब में से, तो देखिए 27 डेसिमल से पहले 27, इसमें 202, सो ये पार्ट बड़ा हो गया, तो लिख लेंगे 27.505 इज ग्रेटर देन, अब बचे हुए में देखिए 20 यहाँ पे 2, तो 2.75 2.507 में चेक करेंगे, बिकॉज ये 0 छोटा वाला हो गया, 2 एंड 2 इक्वल हो रहा है, उसके बाद चेक करेंगे यहाँ पर 7, यहाँ पे देखिए 5, तो ये वाला ऑलरेडी बड़ा है 7, सो 2.75 इज ग्रेटर देन, अब हमारे पास क्या बच रहा है 0.275 एंड 2507, तो इन दोनों में कौन बड़ा है, तो ये 0 है ये 2 है, तो क्लियर ये पार्ट बड़ा हमारा, सो लिख लेंगे 2.507 एंड लास्ट में ये आ जाएगा इज ग्रेटर देन 0.275 इज द आंसर, एंड इसी के साथ आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। थैंक यू।